हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मिनेटर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो सुबह के बज गए हैं दोस्तों अभी 7 और मैं निकल रहा हूं यहां से अभी चंडीगढ़ ड्राइव के ऊपर। तो दोस्तों, आज का मोटर ब्लॉगिंग होने वाला है चंडीगढ़ के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए हौसला बढ़ाता है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो मिलते हैं आगे। सो दोस्तों, अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से चंडीगढ़ और ये देखिए, ये रही कृतिका। कृतिका भी तैयार हो चुकी है मोहन सुबह और अभी हम यहां से करेंगे अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग और चलते हैं। अभी आज है, जा रहा हूं मैं कहां, चंडीगढ़, और आज की जो ड्राइव है वो होने वाली है चंडीगढ़ के लिए। और काफ़ी मज़ा आने वाला दो आई होप दोस्तों, अगर आप वीडियो पर बने रहोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल आर्मिनेटर ब्लॉग्स। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर और आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो सुबह के बज गए हैं दोस्तों अभी 7 और मैं निकल रहा हूं यहां से अभी चंडीगढ़ ड्राइव के ऊपर। तो दोस्तों, आज का मोटर ब्लॉगिंग होने वाला है चंडीगढ़ के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही। सो गाइस, अभी अभी हम पहुंच गए हैं ढाबा रोड के ऊपर। तो यह ढाबा रोड, तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं रोड के ऊपर, मेन रोड है जो यहाँ पर हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जो रास्ता सीधा जाता है, ये यहाँ से चला जाता है आपका अमृतसर के लिए सीधा रास्ता। तो हमें अमृतसर नहीं जाना है, हमें जाना है जो दिल्ली वाले रास्ते के ऊपर, यानी कि हमें जाना है चंडीगढ़ की साइड। और अगर आप यहाँ से जाओगे, SPS हॉस्पिटल है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर सीधा निकलते हो तो यहाँ से आप सीधा निकल जाओगे, फ्लाईओवर पकड़ लो और सीधा ऊपर आप जलंधर के लिए रास्ता, अमृतसर के लिए रास्ता, फगवाड़ा के लिए चला जाएगा। हमें जाना है ओवरब्रिज से राइट, तो यहाँ से अभी हम हो जाते हैं राइट। यहाँ पर लिखा हुआ लुधियाना, सामने दिख रहा होगा आपको, और हम हो जाएंगे यहाँ से राइट। अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, नहीं तो यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। तो अभी हम निकल जाएंगे यहाँ से आगे। यहाँ से बसेस वगैरह मिलती हैं, बस स्टॉप है इस ब्रिज के नीचे, यहाँ आपको बसेस मिल जाएगी चंडीगढ़ के लिए। बाकी ये दिल्ली रोड साइड में जो जाने वाली बसेज हैं, कभी कभी बसेज या नीचे से आ जाती हैं, बाकी मैक्सिमम ऊपर बाईपास निकल जाती हैं ब्रिज के ऊपर से। तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और इसी तरह आप लोगों को एंजॉय करवाता रहूँगा दोस्तों, इसी तरह आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाता रहता हूँ मैं। और वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत करता हूँ मैं अपने वीडियोस के ऊपर और आप लोगों के लिए बहुत वीडियोस बना चुका हूँ आज तक अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर।
लेकिन बट उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वीडियोज का। हाँ ये मानता हूँ क्वालिटी थोड़ा हो सकता है थोड़ा कम अच्छी हो, लेकिन बट मैं कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी जितनी ज़्यादा बेटर करने की जितना मुझसे हो सकता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हाईवे के ऊपर। तो ये हाईवे दिल्ली जो चंडीगढ़ हाईवे है, ये हाईवे है यहाँ पर। अभी यहाँ से तकरीबन मुझे चल रहा है यहाँ से तकरीबन अभी 15-20 किलोमीटर के बाद एक रोड मिलता है जो अपना रूपनगर के लिए, तो उस रोड के ऊपर मैंने मुड़ जाना है। चंडीगढ़ के लिए शॉर्ट है, वहाँ से मोहल्ली वाले रास्ते से मैं जाऊँगा सीधा चंडीगढ़। ठीक है, तो इसी तरह एंजॉय करते रहिए दोस्तों वीडियो को, और बताते रहे कि वीडियोज आप लोगों को कैसी लग रही है। ठीक है, और आई होप आप लोग भी बाइक चलाते हैं राइड करते हैं तो बिल्कुल उसको स्पीड लिमिट के ऊपर ही चलाना है। ठीक है, क्योंकि स्पीड लिमिट से ऊपर चलाना आपकी जान के लिए खतरा है और आपके परिवार के लिए बहुत ही वो मतलब अच्छी चीज नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख ही रहे हो आजकल काफी सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, या तो खुद की गलती से होते हैं या दूसरे की गलती से होते हैं। तो दूसरे की गलती से बचना है अपने आप को, ठीक है, और सेफ ड्राइव करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेफ अपने आप को चलाना है दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके। तो इसी तरह वीडियो को बने रहिए, और यहाँ से जो है राजपुरा है सीधा एयरपोर्ट के लिए लेफ्ट और फोकल पॉइंट के लिए भी लेफ्ट आता है। तो बाकी आप एंजॉय लेते रहिए वीडियोज का, मैं मिलता रहूंगा रास्ते में। तो गाइस अभी हमने यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, अभी रास्ता आ चुका है हमारे पास, हम लेफ्ट टर्न लेना है यहाँ से। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं सीधा दिल्ली के लिए जो रास्ता गया आगे सीधा दिल्ली, हमने रोपड़ वाले रास्ते से मुड़ जाना है अभी। तो हम होंगे अभी नीचे की तरफ, इससे नेक्स्ट वाला पुल ब्रिज है, इस ब्रिज को हमने क्रॉस कर देना है। इस ब्रिज को क्रॉस करके क्या करना है, हमने यह लेफ्ट के यहाँ टर्न कर जाना है। यहाँ से जो रास्ता आगे गया खन्ना कुरुक्षेत्र और पानीपत के लिए सीधा आपको दिख रहा होगा बोर्ड ऊपर, और अभी अब हमने यहाँ से टर्न करना है लेफ्ट की साइड में थोड़ा सा आगे जाके, तो थोड़ा सा आगे आने वाला है अभी। यहाँ पर हम दोरहा के पास आ चुके हैं, अभी यहाँ से लेफ्ट जो है दोरहा के लिए रास्ता चले जाता है, उससे आगे जो है हमारा रास्ता टर्न होगा। तो गाइस अभी हम टर्न होंगे यहाँ से लेफ्ट, टर्न हमारा रहा लेफ्ट, और यहाँ से जाएंगे हम लेफ्ट और यहाँ से सीधा आगे, और यहाँ से आगे हम ब्रिज से मुड़ेंगे यहाँ से लेफ्ट, और उसके लिए फिर सीधा आगे चंडीगढ़ के लिए रास्ता है, जो कि आगे जाके फिर राइट टर्न होता है, रेलवे फाटक आएगा यहाँ बीच में। अभी तो हम अभी टर्न करेंगे यहाँ से लेफ्ट नहर के ऊपर से, हम आ गए नहर के पास।
गाइस आप देख सकते हैं नहर का नज़ारा यहाँ पर दिख रही होगी आपको। नहर यहाँ पर बिल्कुल पानी देखो आप कितना ऊपर लेवल तक चल रहा है अभी भी यहाँ पर नहर का। हम आ जाएंगे चंडीगढ़ रोड के ऊपर, चंडीगढ़ मोहाली ऊपर चंडीगढ़ मोहाली।
गाइस अभी हम मोहाली के अंदर क्या है, मोहाली से आगे चंडीगढ़ के अंदर भी एंट्री होने वाला है। यहाँ पर एंट्री हो चुके हैं हम, अभी लाइट जल रही है तो यहाँ से निकल जाते हैं जल्दी। अभी यहाँ से तकरीबन 12 मिनट का रास्ता और है जो हमें क्रॉस करना है। अभी स्पीड लिमिट भी थोड़ा गाड़ियों की कम है, इसलिए थोड़ा सा अभी चलना भी ऐसे ही पड़ा है इसमें आराम से। चंडीगढ़ सबसे मेरे को सबसे अच्छा सिटी लगता है चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक रूल्स जो है ना बिल्कुल एकदम मेंटेन होते चलते हैं बिल्कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर मतलब कि बाकी जगह की तरह ट्रैफिक का वहाँ पर सिस्टम मतलब काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लाइटिंग का जो सिस्टम है काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही खड़ा होना पड़ेगा, और ज़्यादा अगर आप कहीं आगे चल जाते तो प्रॉपरली उसका चलान कर सकते हैं यहाँ पर। मुझे वो सबसे यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं कुछ की ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छा मतलब कि देखने को मिलता है चंडीगढ़ के अंदर। तो अभी हमें लेना है यहाँ से राइट टर्न, चलिए आगे मिलते हैं वीडियो में दोस्तों। भाई यहाँ पर काफ़ी सारी आपको राइडिंग बाइक भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। गाड़ियाँ भी यहाँ पर आपको बहुत महंगी महंगी देखने को मिलेंगी दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जब आते हो ना तो यहाँ पर सेक्टर सुखने हैं ना कि आप यहाँ पर अगर पता नहीं हो ना तो आप गुम ही हो जाओगे एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। रास्ते यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्टर्स हैं, यहाँ पर सेक्टर बहुत ज़्यादा है।